इस वीडियो में आप सीखेंगे किसी भी मेजर के एंगल को कैसे ड्रॉ किया जाए, यानी अगर कोई भी मेजर दिया हो एंगल का तो उसको कैसे ड्रॉ किया जाए। किसी भी एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है प्रोट्रैक्टर की। यह है प्रोट्रैक्टर, इस पर दो स्केल्स होती है। यह जो दिख रही है स्केल 0, 10, 20, 40, 80, 100, 130 और यहाँ पर 180, तो यह है बाहर की स्केल, जो बाहर से है उसको बाहर की स्केल बोलेंगे। और यह एक और स्केल दिख रही है, यह है अंदर की स्केल। देखिए यहाँ से 0, 10, 20, 40, 100, 120, 170, 180, एक है आउटर स्केल और एक है इनर स्केल। दोनों भी स्केल पर 0 से लेकर 180 डिग्री तक मार्क किया हुआ है। यह जो लाइन दिख रही है प्रोट्रैक्टर पर, इसे जीरो लाइन कहते हैं। इधर साइड में भी जीरो है, इधर साइड में भी जीरो है, इधर साइड में भी 180 है और इधर साइड में भी 180 है। तो 0 से लेकर 0 तक की जो लाइन हमें दिख रही है, इसे जीरो लाइन कहा जाता है। और यह जो पॉइंट दिख रहा है, जैसे टी जैसा बना हुआ है बीच में, और जहाँ यह पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, इसे प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। विद्यार्थियों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि एंगल निकालने के लिए कौन सी स्केल का इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादातर विद्यार्थी हर प्रकार के एंगल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यह जो आउटर स्केल दिख रही है इसी का इस्तेमाल करते हैं, और इसी के वजह से एंगल निकालने में फिर गलती हो जाती है। आवश्यकता अनुसार अंदर की स्केल और बाहर की स्केल का उपयोग कैसे किया जाए, यह भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए अब प्रोट्रैक्टर की मदद से अलग अलग डिग्रीज के एंगल को कैसे ड्रॉ किया जाता है वह सीखते हैं। जब एंगल का नाम 3 लेटर का हो, तब बीच वाले लेटर के पॉइंट पर एंगल निकालना है, और अगर एंगल का नाम सिंगल लेटर का है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उसी पॉइंट पर एंगल निकालना है। जिस पॉइंट पर एंगल निकाला जाता है उसे वर्टेक्स कहा जाता है। चलिए उदाहरण के लिए एंगल एबीसी 70 डिग्रीज का निकालना है, और इसे गणित के भाषा में मेजर ऑफ एंगल एबीसी इक्वल टू 70 डिग्रीज ऐसा लिखा जाता है। और सिंगल लेटर नेम में इसे मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्रीज ऐसा लिखा जाता है। एंगल एबीसी निकालना है मतलब पॉइंट बी पर एंगल निकालना है। एंगल एबीसी के जो 3 लेटर्स दिए हुए हैं, इसमें से बी जो लेटर है, जो वर्टेक्स है, इस पर हमें एंगल निकालना है, और बाकी ए और सी जो है उसके आर्म्स पर पॉइंट आएंगे ये। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रे या तो फिर लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम एक रे निकालते हैं जिस पर हम एंगल ड्रॉ कर सके। रेंगल रे स्केल के मदद से निकालना है। यह हुआ रे बी सी। अब मैंने इसे बी सी ही क्यों नाम दिया, क्योंकि मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए बी जिस पर मैं एंगल निकाल सकूं। तो यह मेरा पॉइंट बी मिल चुका है मुझे। अब इस बी पर हमें प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रखना है कि यह जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है प्रोट्रैक्टर का, यह बी पर आना चाहिए, और जो बी सी रे है, इस बी सी रे को
यह जो जीरो लाइन है यह मैच करनी चाहिए एकदम परफेक्ट। अब देखेंगे कि बी पर यह प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट भी आ चुका है और रे बी सी इस प्रोट्रैक्टर की जीरो लाइन के साथ एकदम कोइंसाइड हो चुकी है। अब हमें निकालना है 70 डिग्रीज एंगल। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमेशा ध्यान में रखना कि यह जो रे बी सी है प्रोट्रैक्टर के कौन से साइड के जीरो को टच कर रही है। अब इधर साइड में भी एक जीरो है और इधर साइड में भी एक जीरो है, लेकिन रे बी सी जो है यह इधर साइड के जीरो को बिल्कुल ही टच नहीं कर रही है। इधर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जीरो दिख रहा है इस जीरो को टच कर रही है, तो इसीलिए सिर्फ यह जीरो जिस स्केल का पार्ट है, यह कौन से जीरो, यह जीरो जो है कौन से स्केल का पार्ट है, आउटर स्केल का पार्ट है। एंगल को ड्रॉ करते समय अभी हमें सिर्फ आउटर स्केल का इस्तेमाल करना है और आउटर स्केल को स्केल पर जीरो से लेकर हमें 70 डिग्रीज तक जाना है। देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और 70। इस 70 डिग्री की जो मार्किंग है इस मार्किंग पर हमें एक पॉइंट ड्रॉ करना है। और अब प्रोट्रैक्टर का काम हो चुका है, प्रोट्रैक्टर को हटाएंगे और इस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करना है। यह हुआ हमारा रे बी ए और यह हुआ हमारा एंगल ए बी सी 70 डिग्रीज। अब मैं फिर से यही एंगल दूसरे तरीके से निकाल के बताता हूँ। यह है रे बी सी, इसके बाद इस पॉइंट बी पर हमें 70 डिग्री का एंगल निकालना है। तो प्रोसेस वही रहेंगी, प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को पॉइंट बी पर रखना है और यह जो जीरो लाइन है प्रोट्रैक्टर की वह रे बी सी के साथ एकदम कोइंसाइड करना है, एकदम एक दूसरे के ऊपर आ जानी चाहिए। अब देखना यह है कि रे बी सी जो है यह कौन से साइड के जीरो को टच हो रही। इधर लेफ्ट साइड में एक जीरो है, राइट साइड में जीरो है, ओके। तो इधर साइड के जीरो को यह रे बी सी टच नहीं हो रही है, यह राइट साइड में जो जीरो है इस जीरो को टच हो रही है। तो यह जीरो जिस स्केल का पार्ट है उस स्केल को हमें यूज करना है। अब देखेंगे कि यह जीरो जो है यह आउटर स्केल का पार्ट नहीं है, यह इनर स्केल का पार्ट है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। हमें जीरो से लेकर 70 डिग्रीज तक जाना है क्योंकि हमें 70 डिग्रीज का एंगल निकालना है। तो यह जो 70 डिग्रीज की मार्किंग है यहाँ से देखेंगे तो यह है 70 डिग्रीज की मार्किंग। यहाँ पर हमें पॉइंट निकालना है और अब प्रोट्रैक्टर का काम हो चुका है, प्रोट्रैक्टर को हटाएंगे और यह जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट से लेकर पॉइंट बी तक हमें ज्वाइन करना है स्केल की मदद से। और यह हुआ हमारा 70 डिग्रीज का एंगल ए बी सी, यह है पॉइंट ए। आप देख चुके हैं कि जब मैंने यहाँ पर 70 डिग्रीज का एंगल निकाला तो मैंने आउटर स्केल का यूज़ किया और यहाँ पर जब मैंने एंगल निकाला तो इनर स्केल का इस्तेमाल किया। मतलब सिचुएशन के अनुसार हमें इनर स्केल या आउटर स्केल का इस्तेमाल करना है। चलिए अब मैंने यह जो एंगल है यह रे बी सी के ऊपर साइड में निकाला है और यहाँ पर भी रे बी सी के ऊपर साइड में निकाला है। अब मैं रे बी सी के नीचे के साइड में आपको एंगल निकाल के बताता हूँ। यह है मेरी सपोज रे, रे बी सी। नीचे की साइड में एंगल निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस है, सिर्फ प्रोट्रेक्टर को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। अब मुझे पॉइंट बी पर 70 डिग्रीज का एंगल और वो भी नीचे की साइड में निकालना है, तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले सेंटर पॉइंट जो है प्रोट्रैक्टर का पॉइंट बी पर आना चाहिए एकदम परफेक्ट।
और जो रे बीसी है वो प्रोट्रैक्टर की जीरो लाइन के साथ टच होनी चाहिए। तो पॉइंट बी प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट पर आ चुका है और जीरो लाइन के जो बीसी रे है वो एकदम कोइंसाइड हो चुकी है, एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है। अब देखेंगे कि कौन से साइड के जीरो को रे बी सी टच कर रही है। इधर साइड एक जीरो है, इधर रे बी सी टच कर रही नहीं कर रही। यहां पर देखेंगे कि रे बी सी इधर साइड वाले जीरो को टच कर रही है, इसलिए इधर से हमें एंगल को 70 डिग्रीज तक, जीरो से लेकर 70 डिग्रीज तक जाना है। अब यहाँ है जीरो और यह जीरो कौन सी स्केल का पार्ट है, यह इनर स्केल का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ अब इनर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, यह रहा 70 डिग्री। और यह 70 डिग्रीज पर हमें एक पॉइंट देना है और प्रोट्रैक्टर हटा देना है, अभी उसका काम हो चुका है। और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रे हमें निकालनी है, यह हुआ हमारा पॉइंट ए और यह है 70 डिग्रीज का एंगल। अब हो सकता है रे ऐसा ना हो, ऐसा दिया हुआ हो कि रे बी सी। अब रे बी सी के नीचे के साइड में हमें एंगल ड्रॉ करना है 70 डिग्रीज का। तो सबसे पहले इसे पॉइंट बी को प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट के साथ मिलाना है और रे बी सी को प्रोट्रैक्टर की जीरो लाइन के साथ एकदम कोइंसाइड करना है, एकदम एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए। अब देखेंगे, अब देखिए कि प्रोट्रैक्टर का कौन से साइड का जीरो रे बी सी के साथ टच हो रहा है, राइट साइड का। इधर कुछ भी टच नहीं हो रहा है किसी को, इसलिए हमें यह वाली स्केल यूज नहीं करनी है। हमें अब देखिए राइट साइड के जीरो को टच हो रही है, इसलिए यह जीरो जो है यह कौन से स्केल का पार्ट है, आउटर स्केल का पार्ट है, क्योंकि यहाँ से जीरो स्टार्ट हुआ 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और यह 70। यहाँ पर पॉइंट निकालना है 70 डिग्रीज के मार्किंग पर और प्रोट्रैक्टर को हटा देना है और इस पॉइंट को बी के साथ स्केल से ज्वाइन करना है। यह हुआ हमारा एंगल 70 डिग्रीज का और यह हुआ पॉइंट ए। तो यह एंगल ए बी सी 70 डिग्रीज का। मैंने चारों पॉसिबिलिटीज आपको बताई है कि ऊपर के साइड में कैसे निकाला जाता है एंगल को, नीचे की साइड में कैसे निकाला जाता है, राइट साइड में ऊपर के एंगल साइड में कैसे निकाला जाता है और राइट साइड में नीचे की डायरेक्शन में कैसे एंगल को निकाला जाता है। अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हमें रे दे दिया जाए और जो सिर्फ हॉरिजेंटल हो। हमें एंगल पी क्यू आर अभी निकालना है, एंगल मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 125 डिग्रीज का हमें निकालना है, लेकिन हमें अभी रे नहीं है, हमें लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। जैसे यह है एक लाइन सेगमेंट पी क्यू, इस लाइन सेगमेंट के लेफ्ट साइड में हमें एंगल पी क्यू आर निकालनी है और वह 125 डिग्रीज की है। चूंकि हमें क्यू पॉइंट पर एंगल निकालनी है, इसलिए क्यू पॉइंट हमें हमारे पास होना जरूरी है। तो इस पर सबसे पहले पॉइंट क्यू पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे और लाइन सेगमेंट पी क्यू के साथ यह जो प्रोट्रैक्टर की जीरो लाइन है एकदम कोइंसाइड होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए। अब ये आ चुके, इस सिचुएशन में देखेंगे कि सेगमेंट पी क्यू कौन से साइड के जीरो को टच कर रहा है। इधर भी एक जीरो है, इधर भी एक जीरो है,
लाइन सेगमेंट पी क्यू इस साइड के जीरो को टच कर रहा है, तो यह जीरो जो है कौन से स्केल का पार्ट है? इनर स्केल का पार्ट है, तो इसलिए यह वाली स्केल हमें यूज करना है। यहाँ से जीरो से लेकर 125 डिग्री तक हमें जाना है, 10, 20, 30, 40, फिर 80, फिर 100, फिर यहाँ आया 120, और फिर 120 के बाद 5 लाइंस जो दिख रही है, यह 120 की मार्किंग है और ये 125। ओके, यहाँ एक पॉइंट निकालने के बाद प्रोट्रैक्टर को हटा देंगे। यह जो पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को Q के साथ ज्वाइन करना है। यह हुआ हमारा पॉइंट R और यह एंगल हुआ 125 डिग्रीज का। अब हो सकता है कि हमें लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में यह एंगल निकालना है, तो सेम प्रोसेस, यह हुआ P, यह हुआ पॉइंट Q और PQR निकालना है, इसलिए हमें Q पर सेंटर पॉइंट रखना है प्रोट्रैक्टर का और PQ के साथ जीरो लाइन को मैच करना है। अब देखेंगे कि इस जीरो लाइन के साथ जो मैच हुआ है सेगमेंट PQ, तो वो कौन से साइड के जीरो को टच हो रहा है? इधर वाले जीरो को टच हो रहा है, इधर वाले जीरो को टच नहीं हो रहा, इसलिए इस जीरो से स्टार्ट होने वाली स्केल कौन सी है हमारे पास अभी? यह आउटर स्केल है, तो इसलिए आउटर स्केल पर हम 0 से लेकर 125 डिग्रीज तक जाएंगे। यह हुआ 10, 20, 30, 40, फिर 60, फिर 90, फिर 100, 120, यह हुआ 120 का मार्किंग और उसके बाद 5 लाइंस जो देती है हमें 125 डिग्रीज की मार्किंग। प्रोट्रैक्टर को हटाने के बाद पॉइंट क्यू को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है और यह हुआ आर पॉइंट और यह 125 डिग्रीज का हमें एंगल मिल चुका है। बहुत सारे कंडीशन में हमें इस टाइप की डायग्राम निकालना पड़ता है, जैसे यह एंगल सपोज 60 डिग्रीज का दिया हुआ है और यह 85 का और यह सपोज 145 डिग्रीज का। यह है पॉइंट क्यू, यह ए, यह बी, यह सी और यह पी। तो चलिए यह डायग्राम कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें से कोई भी एक सेगमेंट ए बी या सेगमेंट बी सी निकालनी पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, सेगमेंट बी सी पहले निकालते हैं। सेगमेंट बी सी, यह है हमारी सेगमेंट बी सी। अब इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर हमें 85 डिग्रीज का एंगल निकालना है, तो पॉइंट सी पर हमें प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है और सेगमेंट बी सी को जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब देखेंगे कि सेगमेंट बी सी जो है कौन से साइड के जीरो को टच कर रही है, इस साइड के जीरो को, तो हम इसी जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 85 तक जाएंगे हम लोग। यह हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 85, यह रहा हमारा पॉइंट। प्रोट्रैक्टर को हटाएंगे और इसे ज्वाइन करेंगे। ओके, यह पॉइंट पी और यह हुआ 85 डिग्रीज का एंगल। अब पॉइंट बी पर हमें इधर साइड में 60 डिग्रीज का एंगल निकालना है, तो हमें प्रोट्रैक्टर को भी इसी तरह से रखना पड़ेगा और सेगमेंट बीसी को प्रोट्रैक्टर की जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर एकदम परफेक्ट लाने पड़ेंगे। अब देखेंगे कि लाइन सेगमेंट बी सी कौन से साइड के जीरो को टच कर रही है, इधर वाले साइड के जीरो को टच कर रही है और यह जीरो
कौन सी स्केल का पार्ट है? यह आउटर स्केल का पार्ट है, ठीक। इसलिए हमें अब यह एंगल मेजर करने के लिए इस स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यह एंगल कितने डिग्रीज का है? 60 डिग्रीज का हमें निकालना है, तो इसलिए यहाँ से 10 से लेकर 60 तक हमें जाना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40, 50 और 60, यह रहा। यह पॉइंट मार्क कर देने के बाद प्रोटेक्टर को हटाएंगे और यह हुआ हमारा 60 डिग्रीज का एंगल और यह पॉइंट हुआ ए। अब इस एंगल पर हमें 145 डिग्रीज का एंगल निकालना है। ए एंगल ए कितना दिया हुआ है? 145 डिग्रीज। तो इसे 145 डिग्रीज निकालने के लिए प्रोट्रैक्टर को सबसे पहले इस हिसाब से रखना पड़ेगा। चूंकि इधर जगह नहीं मिल रही है, इसलिए मैं यह एंगल 145 का निकालने के बजाय 95 का निकालता हूँ, 95 डिग्रीज। अब पॉइंट ए पर प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को हमें रखना है। और अब जो सेगमेंट ए बी है, यह सेगमेंट कौन से साइड के जीरो को टच कर रही है? इधर साइड वाले या इधर वाले? यह है जीरो, इधर साइड वाले जीरो को टच कर रही है। तो इस वाले जीरो से हमें 95 तक जाना है। और यह है इनर स्केल हम यूज कर रहे हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 95। यह रहा हमारा 95 डिग्रीज का एंगल। और यह रहा पॉइंट क्यू और यह है 95 डिग्रीज का एंगल। जैसा कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट की लेंथ मैंने अपने मन से ली है, अगर लाइन सेगमेंट की लेंथ दी हुई है तो उसी हिसाब से हमारी डायग्राम बनेगी। अब कई बार होता ऐसा है कि इस टाइप के डायग्राम और इस टाइप के एंगल हमें निकालने पड़ते हैं। यहाँ पर एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है, यहाँ पर एंगल डी ओ बी या बी ओ डी 60 डिग्री है और एंगल सी ओ डी 80 डिग्री है, यह 40 डिग्री का एंगल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइन ए बी को निकालेंगे। यह हुई लाइन ए बी और यह रहा पॉइंट ओ। अब ए ओ सी एंगल निकालने के लिए हमें यह जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर हमें 40 डिग्रीज का एंगल लेफ्ट साइड में निकालना है। अब ध्यान में रखना कि जैसे ही मैं ये ओ पॉइंट को प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट के साथ मिला देता हूँ, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिस साइड के जीरो को यह रे टच हो रही होंगी या लाइन सेगमेंट टच हो रही होंगी, उस साइड के जीरो की स्केल को हमें यूज करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट साइड वाले जीरो को भी टच हो रही है एक रे और राइट साइड वाले जीरो को भी एक रे टच हो रही है। अब यहाँ पर टेक्निक यह यूज करना है कि हमें कौन से वाले एंगल की जरूरत है अभी, ए ओ सी। इसका मतलब हमें अभी फिलहाल में ओ बी जो रे दिख रही है, इस रे का कुछ भी काम नहीं है। चलिए हम लोग इसे छिपा देते हैं, रे ओ बी को मैंने ऐसा अभी छिपा दिया। और पॉइंट ओ जो है वो प्रोट्रैक्टर की सेंटर पॉइंट के साथ मिलाना है। अब देखेंगे कि रे ओ ए जो है कौन सी साइड के जीरो के साथ टच हुआ है प्रोट्रैक्टर के यह वाले, क्योंकि इधर तो कोई अभी लाइन सेगमेंट या रे है ही नहीं, तो इसलिए हमें इस वाले स्केल का इस्तेमाल करके 40 डिग्री तक जाना है। 40 डिग्री का एंगल निकालना है, तो यह जीरो से स्टार्ट हुआ, तो यह जीरो आउटर स्केल है, तो इस जीरो से हमें 40 डिग्री तक जाना है। 0, 10, 20, 30 और 40, यह रहा 40 डिग्री का मार्किंग। प्रोट्रैक्टर को निकाल लेंगे और ओ के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। यह हुआ हमारा पॉइंट सी।
और यह एंगल हुआ 40 डिग्री का एंगल। ओके, अब हमें एंगल बी ओ डी 60 डिग्री का निकालना है। तो अब हमें ओ बी ओ और डी का काम है, मतलब रे ओ बी का काम है, रे ओ ए का काम हमें नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए इसे छिपा के रख देते हैं, रे ओ ए को। ओके, अब हमें सिर्फ रे ओ बी दिख रही है, नजर आ रही है। अब पॉइंट ओ पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे और रे ओ बी के साथ प्रोट्रैक्टर की जीरो लाइन एकदम कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब बताइए कि कौन से साइड के जीरो को रे ओ बी टच कर रही है, इधर वाले साइड के जीरो को टच कर रही है। ओके, और यह जीरो जो है यह कौन से स्केल का पार्ट है, यह इनर स्केल का पार्ट है। इसीलिए एंगल को ड्रॉ करने के लिए इस इनर स्केल का इस्तेमाल करना है और जीरो से लेकर हमें 60 डिग्रीज का एंगल निकालना है। तो जीरो से लेकर 60 डिग्रीज तक हमें जाना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यह रहा हमारा 60 डिग्रीज का पॉइंट और इसको ओ के साथ ज्वाइन करेंगे। यह हुआ पॉइंट डी और यह हुआ 60 डिग्रीज का एंगल। अब हमें यह 80 डिग्रीज का एंगल निकालना है, क्योंकि यह टोटल एंगल 180 डिग्रीज का होता है। यह हुआ 40 डिग्रीज का, यह हुआ 60 डिग्रीज का, तो बचे 180 डिग्रीज। तो यह ऑटोमेटिकली 80 डिग्रीज का एंगल हमारा बन चुका है, इसे हमें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत बार हमें ऐसे ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं। तो इस ट्रायंगल में दो एंगल दिए हुए 85 डिग्रीज के और 50 डिग्रीज के, तो इसे कैसे निकाला जाए वह देखते हैं। सबसे पहले यह लाइन सेगमेंट ST जो दी हुई है 6.5 की, तो इस पर सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर की सेगमेंट ST हमें निकालनी है। 6. यह हुई हमारी 6.5 सेंटीमीटर, यह हुआ पॉइंट S और यह हुआ पॉइंट T। अब S एंगल जो है यह 85 डिग्रीज का है, मतलब UST यह एंगल 85 डिग्रीज का है। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमें 85 डिग्रीज का सबसे पहले एंगल निकालना है। तो पॉइंट S पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे, क्योंकि हमें लाइन सेगमेंट ST के ऊपर साइड में एंगल निकालना है, तो इसलिए प्रोट्रैक्टर को भी ऊपर की साइड में रखेंगे और लाइन सेगमेंट ST को प्रोट्रैक्टर की जीरो लाइन के साथ एकदम मैच करना है। अब सेगमेंट ST कौन से साइड के जीरो को टच हुई है, इस साइड के जीरो को टच हुई है, इधर साइड के जीरो को टच नहीं हुई है। और यह जीरो कौन सी स्केल का है, इनर वाली स्केल का, इसलिए हमें अभी इनर स्केल यूज करना है और 85 डिग्रीज तक, जीरो से लेकर 85 डिग्रीज तक जाना है। यह हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यह रहा 85 डिग्रीज। ओके, और इस पॉइंट को हमें अब ज्वाइन करना है। यह पॉइंट U नहीं है, U अभी हमें मिलने का है, क्योंकि इधर वाला जो एंगल है यह निकालने के बाद जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी वह पॉइंट हमारा U पॉइंट होगा। अब यह एंगल T है, UTS 50 डिग्रीज का है, तो फिर से एंगल को प्रोट्रैक्टर को पॉइंट T पर जो है वो प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे और सेगमेंट ST को प्रोट्रैक्टर की जीरो लाइन के साथ एकदम मैच करना है। अब देखेंगे कि यह जो जीरो लाइन है ST के साथ पूरी तरह से कोइंसाइड हो चुकी है, और अब सेगमेंट ST को कौन सा जीरो टच हुआ है, यह जीरो टच हुआ है। तो इसलिए हमें
यह जीरो जिस स्केल का पार्ट है उस स्केल का इस्तेमाल हमें करना है। तो यह कौन सी स्केल है? अभी आउटर स्केल है, और हमें कितनी डिग्रीज का एंगल निकालना है? 50 डिग्रीज का एंगल निकालना है। तो इस जीरो से लेकर 50 डिग्रीज तक हमें जाना है। 0, 10, 20, 30, 40 और 50, यह रहा हमारा 50 वाला पॉइंट। इसे मार्क करने के बाद प्रोट्रेक्टर को हटाएंगे और इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसे ज्वाइन करने के बाद हमें अब यह जो पॉइंट मिला है, दोनों रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यह है पॉइंट यू, और यह हुआ हमारा 50 डिग्रीज का एंगल, और यह हुआ 85 डिग्रीज का एंगल। बहुत बार क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करते समय प्रोट्रैक्टर से एंगल निकालने की आवश्यकता होती है। जैसे इस टाइप का डायग्राम है, हमें निकालना है, तो हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ कैसे करेंगे, तो वह देखते हैं। सबसे पहले तो सेगमेंट ए बी हमें निकालनी है, यह है 7 सेंटीमीटर सेगमेंट ए बी। यह हुई ए बी सेगमेंट, 7 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। एंगल ए 115 डिग्रीज का है, तो हमें एंगल ए 115 डिग्रीज का पॉइंट ए पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है, और सेगमेंट ए बी के साथ प्रोट्रैक्टर की जीरो लाइन एकदम कोइंसाइड करना है। और अब सेगमेंट ए बी कौन से जीरो को टच हो रही है? ये वाले जीरो को टच हो रही है, इसलिए यह इनर स्केल हमें यूज करनी है एंगल को मेजर करने के लिए। अब यहाँ से 115 डिग्रीज का हमें एंगल निकालना है, तो 0 से लेकर 115 तक हमें जाना पड़ेगा। यह हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 112, 110 और 115। यह हुआ 115 का पॉइंट, इसको हमें ज्वाइन करना है। अब यह हमारा पॉइंट डी नहीं मिला अभी तक। एंगल बी 95 डिग्रीज का है, तो इस पर पॉइंट बी पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे और सेगमेंट ए बी को जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड करेंगे। अब सेगमेंट ए बी को यह वाला जीरो टच हुआ है, इसलिए यह जीरो जिस स्केल का पार्ट है उस स्केल को हम यूज़ करेंगे, और यह स्केल है आउटर स्केल, इसलिए हमें अब आउटर स्केल का इस्तेमाल करके 95 डिग्रीज का एंगल हमें निकालना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और यह रहा 95 डिग्रीज का एंगल, और इसे ज्वाइन करना है। अब यह जो बी सी की लेंथ है, यह 6 सेंटीमीटर की है, तो स्केल पर कंपास की मदद से 6 सेंटीमीटर की हमें लेंथ लेनी है, और इसको आर्क देना है यहाँ पर, ताकि हमें 6 सेंटीमीटर की लेंथ मिले। यह हुई 6 सेंटीमीटर और यह हुआ हमारा पॉइंट सी। अब इस पॉइंट से बी सी डी एंगल जो है 80 डिग्रीज का निकालना है लेफ्ट साइड में, तो प्रोट्रैक्टर को भी लेफ्ट साइड से लेना पड़ेगा हमें। अगर इस साइड से लेंगे तो हमें एंगल राइट साइड में मिलेगा, और इस साइड से लेंगे तो हमें एंगल लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो पॉइंट सी पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे और सेगमेंट बी सी के साथ या रे बी सी के साथ जीरो लाइन को डिसाइड करना है। अब कौन से साइड के जीरो को रे बी सी टच हुई है? इधर वाले साइड के या इधर वाले साइड के? इधर वाले साइड के। ओके, तो सबसे पहले हमें वह स्केल मालूम करना है कि कौन से स्केल का यह जीरो है। तो यह आउटर स्केल का जीरो है, इसलिए हमें आउटर स्केल इस्तेमाल करनी है, और एंगल कितना दिया हुआ है? 80 डिग्रीज का, तो हमें 0 से लेकर 80 डिग्रीज तक हमें जाना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, यह रहा हमारा 80 डिग्री का मार्किंग। और प्रोट्रैक्टर को हटाने के बाद इस पॉइंट को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन करेंगे और साथ में उसे एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, ताकि हमें पॉइंट डी मिले, और यह हुआ एंगल हमारा
80 डिग्रीज का, यह हुआ हमारा एंगल 95 डिग्रीज का, और यह हमने 115 डिग्रीज का एंगल निकाला था, और यह हमारी जो डायग्राम है हमें मिल चुकी है जैसी की वैसी।